सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। प्रोसीजरल लॉज में दो टाइप के लॉज हमें मिलते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। आप देख सकते हैं क्रिमिनल कोड्स होते हैं जिनमें क्रिमिनल मैटर्स चलते हैं, और सिविल कोड्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कई सारे सिविल मैटर्स चलते हैं। सिविल लॉज के मुताबिक ये पूरा डिस्कशन है। आज बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो शायद उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया है कि इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि सिविल मैटर्स में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के मुताबिक ऑलरेडी एक ही कानून चल रहा है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट से मुताबिक एक ही कानून चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसी तरह टॉर्ट लॉ के मुताबिक एक ही कानून है, बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह के ताल्लुक से एक ही कानून है। लेकिन सिविल लॉज के अंदर एक हिस्सा है, वो है फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के अंदर हमारी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग लॉज चल रहे हैं।